आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दरबार का लाइव दर्शन कर रहे हैं आप। आज हम आपको पूरी वीडियो में बाबा श्याम के लाइव दर्शन कराएंगे। बाबा श्याम का मंदिर खुल चुका है और अंदर से बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे आपको। और बाबा श्याम कैसे दिखते हैं अब नए मंदिर में, उनका नए हवेली में कैसे लगते हैं, वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं लाइव। आप देखिए, ये रेलिंगें जो पहले जिगजैग में थी अब सीधी लाइनें हो चुकी हैं, और इस सीधी लाइनों से होते हुए हम आपको बाबा श्याम के मंदिर के अंदर ले जाएंगे और अंदर से बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे, भव्य दर्शन कराएंगे, जहां आपको 2 से 3 मिनट के दर्शन होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप बाबा श्याम के भव्य दर्शन वो भी आज के दर्शन कर पाएंगे। बाबा श्याम का मंदिर खुल चुका है, खुलने के बाद बाबा श्याम का मंदिर कैसा लगेगा, बाबा श्याम को हम कैसे देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको वही दिखाने वाले हैं, दर्शन कराने वाले हैं। तो आज चलिए बाबा श्याम के दरबार की तरफ हम चल रहे हैं। बाबा श्याम का ध्यान करते रहिए, थोड़ी देर में बाबा श्याम दर्शन देंगे। और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी अर्जी हो, बाबा श्याम से कह देना, श्याम बाबा से बोल देना। देखिए, हम बाबा श्याम की हवेली में प्रवेश करने वाले हैं, हम लाइनों में चल रहे हैं और अब धीरे धीरे बाबा श्याम की हवेली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये नई दर्शन वीडियो है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हो, बाबा श्याम के मंदिर का दर्शन आप कर रहे हो। तो देखिए, इस तरह से हम बाबा श्याम के मंदिर में अंदर आ गए हैं। अब देखिए, अब आपको भव्य दर्शन होंगे। ये यही वो जगह है जहां से बाबा श्याम के भव्य दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ी देर में बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। यहां आपको वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना मना है, परंतु ये वीडियो रिकॉर्डिंग किसी तरह से कर ली गई है और आप सभी श्याम भक्तों को ये वीडियो के द्वारा बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे। देखिए, बाबा श्याम के अभी आप दर्शन करने वाले हो। एक जोरदार नारा लगा दीजिए, हरे के सहारे की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, जय हो बाबा, जय हो श्याम बाबा। बोलिए, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय। बाबा श्याम के भव्य दर्शन अभी आप सभी कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि बाबा श्याम के दर्शन के बाद बाहर का नज़ारा कैसे है। बाबा श्याम का जयकारा लगाते रहिए, आपकी जो भी इच्छा हो, मन्नत हो, बाबा श्याम से कहते रहिए, बोलते रहिए, बाबा श्याम के ये भव्य दर्शन है। पहले दिन इतने दिनों के बाद बाबा श्याम दर्शन दे रहे हैं, आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। अगर मंदिर अभी तक आप नहीं आए तो बाबा श्याम को वो अर्जी लगाइए, बाबा श्याम से प्रार्थना करिए, बाबा श्याम से जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो सब कह दीजिए बाबा श्याम को। देखिए, बाबा श्याम अपने घर गृह से दर्शन दे रहे हैं, वो कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा श्याम। और देखिए, बाबा श्याम के भव्य दर्शन है ये, इतनी देर के दर्शन कर रहे हैं बाबा श्याम से। बाबा श्याम से जो भी कहना है आज कह दीजिए, यही है बाबा श्याम का अद्भुत दर्शन। बोलिए, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, हे श्याम बाबा, सारे बिगड़े काम बना दो, हमारे दुखड़े दूर कर दो बाबा श्याम। बाबा श्याम अपनी कृपा करिए बाबा, हम सभी पर अपनी कृपा करिए बाबा, हमारी लाज बचा लीजिए। ये है बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन। देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते हैं, वो आपको इस तरह से वीडियोस बनाने नहीं देंगे। और आप अपना मोबाइल को बचा के इस तरह से थोड़ा बहुत जैसा भी हो बाबा श्याम के दर्शन के लिए थोड़ा बहुत फुटेज निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए, ये बाबा श्याम के पहले दिन दर्शन, जो इतने दिनों के बाद 3 महीने के बाद मंदिर खुला है, उसके दर्शन अभी आपने किए हैं। और ये दर्शन करके इस तरह से आप बाहर की तरफ निकल जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर के लिए आपको खड़ा रह के बाबा श्याम को निहार सकेंगे। और इस तरह से निहार कर बाबा श्याम के दर्शन करते हुए आप बाहर की तरफ आ जाएंगे। बाबा श्याम के आपने अद्भुत दर्शन कर लिए हैं और आप अभी बाहर की तरफ हम आपको लेके जाएंगे और बाहर के दर्शन कराएंगे कि बाहर का नज़ारा कैसा है, बाहर किस तरह से किया, बहुत ही सुंदर बनाया गया है मंदिर। आप सभी श्याम भक्तों को एक बार बाबा श्याम के दरबार जरूर आना चाहिए और बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा है, हम बाहर निकल कर आ गए हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो कि काम पेंडिंग है, परंतु बाबा श्याम को दर्शन देने थे, इसलिए जल्द से जल्द अचानक से मंदिर को खोला गया हम सभी के लिए, ताकि हम सभी बाबा श्याम के भव्य दर्शन कर सके। ये देखिए, तो बाबा श्याम के दर्शन आपने कर लिए हैं और देखिए, अभी भी कुछ काम रह गए हैं। ये मंदिर वगैरह में अभी मूर्ति स्थापना होनी बाकी है, तो ये सारे काम
हो जाएंगे। अब धीरे धीरे बाबा श्याम का मंदिर खुल चुका है और बाबा श्याम का मेला भी आने वाला है। तो भव्य दर्शन आपने किए और ये देखिए ये एग्जिट का रास्ता है, बहुत ही अधिक सुंदर है और चौड़ा भी है, काफ़ी सारे श्याम प्रेमी आ सकते हैं, परंतु यहाँ किसी को ठहरने नहीं दिया जाता, यहाँ से आप सीधे बाहर की तरफ निकल जाते। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम की अधिक से अधिक बातें सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री श्याम।